हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसा कि बुक में अवेलेबल है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के एक या दो दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। हमारे पास क्या दिया हुआ, एक तो ये वाला एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री का, और ये 45 डिग्री, और ये दिया हुआ कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ये बराबर है इसके और इसके। ठीक है, हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाले एंगल्स पता कर लेते हैं। तो जैसे कि ये 45 है, तो ये टोटल कितना होता है, 180 होता है। 180 से अगर आप 45 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 135। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और ये 135 आ गया। और आपको पता है ये जो ट्राइंगल होता है इसका तीनों का प्लस कितना होता है, 180 होता है। तो 135 प्लस 15 कितना हो गया, 150 हो गया। और 180 में से 150 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 30 डिग्री। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 30 डिग्री इधर है, हमें यहाँ से रखते हुए यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे लाइन खींचनी है कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ। ये हमने एक लाइन खींची, कैसे खींची कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री आ जाए। ठीक है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये वाला क्या बन गया, ये जो अभी नया वाला बना है ये आ जाएगा 30 प्लस 30 कितना होता है, 60 होता है। और ये टोटल 180 होता है, 180 में से 60 माइनस करोगे तो कितना, 120 आ जाएगा। तो ये 120 है और ये कितना, 135। तो ये कितना आ जाएगा, 135 में से 120 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है इसके। ठीक है, तो जैसे कि ये 30 का एंगल है, ये भी 30 का एंगल है, तो ये पूरा एक ट्राइंगल हो गया। तो जब ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो ये जो दोनों भुजाएं होती हैं इनकी लंबाई भी बराबर होती है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, ये किसके बराबर होगी, इस ये लेंथ के इसके। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, और ये लेंथ इसके बराबर ऑलरेडी है। ठीक है, तो अभी आप फिर देख सकते हो यहाँ पे ये 15 है, इधर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, और यहाँ पे भी ये 15 डिग्री आ गया हमारा। तो ये 15 डिग्री, ये भी 15, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो लेंथ है ये किसके बराबर आ गई, इसके। क्योंकि दोनों जो एंगल है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो छोटा ट्रायंगल हमने बनाया है, तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों 15 15 है, तो ये जो लेंथ है ये बराबर है इसके। तो कहने का मतलब ये वाली लेंथ होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी, ये सभी बराबर है लेंथ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये देख सकते हो यहाँ पे ये कितना है, ये लेंथ बराबर है और ये वाली बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये कितना 15, ये कितना है 45, और ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर टोटल देखोगे तो 45 प्लस 15 कितना होता है, 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और ये 60 है, ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर है, तो अगर हम इन लेंथों को यहाँ से इस कॉर्नर से हम यहाँ पे मिलाते हैं, इस कॉर्नर से यहाँ पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे मिलाते हैं, अभी ये दोनों लेंथ बराबर है। जैसे कि इन वाले केस में था, ये एंगल बराबर थे तो ये लेंथ है बराबर थी, तो यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तभी तो ये दोनों लेंथ बराबर है। जैसे इसमें पहले हमारे पास एंगल बराबर थे, तो उसी के बेस के ऊपर हमने निकाला था कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ है ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है, बराबर है लेंथ दोनों, तो लेंथ बराबर है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, कितना होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है,
तो 180 में से 60 माइनस करोगे कितना आ गया, 120 आ गया। तो 120 का आधा, आधा ये है आधा ये है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो कितना होगा 60 और 60। ठीक है, अभी ये 60 है और ये कितना है 30 है, 30 प्लस 60 कितना होता है 90 होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और जैसे कि ये जो 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ठीक है, तो जैसे कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो अगर ये तीनों एंगल बराबर आ जाते हैं, अभी ये तीनों एंगल बराबर हैं 60 60 60, तो ये जो लेंथ है ये भी इनके बराबर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये होगी ये और ये और ये, इनकी सबकी लेंथ है बराबर, ठीक है। अब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी तो क्या होता है, एंगल भी बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों क्या है बराबर। और जैसे कि ये पता है आपको, ये 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितना है 90 है, तो 90 का आधा आधा दे देते हैं, आधा इधर आधा इधर, कितना 45 इधर और 45 इधर, तो ये 45 आ गया एंगल, ये भी 45, क्योंकि यहाँ पे 90 था और ये लेंथ दोनों बराबर था, ठीक है। एक्स की हमें यहाँ पे वैल्यू पता करनी है, ये 45 है पूरा और इतना 15 है, तो जो बचा वो एक्स है, तो सिंपल है 45 माइनस 15 इजिकल टू 30 इजिकल टू एक्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, सिंपल था वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।